गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हमने चैप्टर फोर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर साझेदार का प्रवेश डिटेल में स्टडी कर लिया था। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फाइव, और चैप्टर फाइव है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु। चैप्टर फाइव इसके जो हैं टू पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, साझेदार का अवकाश ग्रहण, और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की मृत्यु। तो सबसे पहले हम चैप्टर फाइव रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, साझेदार का अवकाश ग्रहण। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग अर्थ जानते हैं। When one or more partner leaves the firm and the remaining partner continue to do business of the firm, it is known as the retirement of a partner. जब एक या एक से अधिक साझेदार फर्म छोड़ देते हैं और शेष साझेदार फर्म का व्यवसाय करना जारी रखते हैं, तो इसे साझेदार की सेवानिवृत्ति के रूप में जाना जाता है। Due to some reason like old age, poor health, strained relation, etc., an existing partner may decide to retire from the partnership. वृद्धावस्था, खराब स्वास्थ्य या तनावपूर्ण संबंध आदि कुछ कारणों के कारण साझेदार सेवानिवृत्ति होने का निर्णय ले सकते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, साझेदार का अवकाश ग्रहण का मीनिंग, ये क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं रीजंस फॉर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करने के कारण। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32(1) ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अ पार्टनर मे रिटायर्स। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32(1) के अनुसार साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है, अर्थात कब कब एक पार्टनर जो है रिटायरमेंट ले सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी साझेदारों की सहमति से वो अवकाश ग्रहण कर सकता है। सेकंड, एज पर टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, साझेदारों के मध्य हुए समझौते के अनुसार भी वो अवकाश ग्रहण कर सकता है। और थर्ड पॉइंट है एट हिज और हर ओन विल, बाय गिविंग नोटिस इन रिटर्न टू ऑल द अदर पार्टनर्स, अवकाश ग्रहण करने की इच्छा का अन्य साझेदारों को लिखित नोटिस देकर भी वो क्या कर सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि कब जो है एक पार्टनर जो है रिटायरमेंट ले सकता है, अवकाश ग्रहण कर सकता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मेन एडजस्टमेंट्स को। तो मेन एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर मुख्य समायोजन। तो क्या क्या हमारे को एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। तो फर्स्ट हमारे को करनी पड़ती है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सबसे पहले हमें नए लाभ विभाजन अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात को ज्ञात करना पड़ता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जो प्रॉफिट होंगे अब वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटे जाएंगे। और गेनिंग रेशियो हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उनसे क्या करेगा, वो अपनी गुडविल को लेगा। सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, इसको हिंदी में बोलते हैं ख्याति को ज्ञात करना। तो इसके बारे में हमने चैप्टर फोर में क्या कर दिया था, डिटेल में स्टडी कर लिया था। और थर्ड जो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर हम इसके बाद ख्याति का लेखा करेंगे। तो ख्याति के लेखे में क्या करेंगे, गुडविल किसको मिलेगी, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, और देगा कौन, जो पार्टनर गेन कर रहा है वो देगा। फोर्थ नंबर पे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करेंगे। तो ये भी ठीक वैसे ही होगा जैसा कि हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के टॉपिक में डिस्कस किया था। इसके बाद जो फिफ्थ नंबर पे एडजस्टमेंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट।
अवितरित लाभों एवं संचयों का हस्तांतरण करना, और सिक्स नंबर पे है एडजस्टमेंट ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का संयोजन करना, और इसके बाद सेवन्थ जो पॉइंट है वो है पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान करना, और एट्थ पॉइंट है जो एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल्स इन प्रोपोर्शन टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, शेष साझेदारों के पूंजी खातों को उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में समायोजित करना। तो ये थी मेन एडजस्टमेंट्स जो हमने डिस्कस करनी है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नए लाभ विभाजन अनुपात को ज्ञात करना। तो जैसे ही कोई पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायर होने के बाद उसका जो लाभ का हिस्सा है वो किस में बंट जाता है, जो पुराने पार्टनर जो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं वो आपस में बांट लेते हैं, तो उनका नया हिस्सा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसके बारे में पहले जानते हैं। तो न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर, अर्थात जो उनका पुराना हिस्सा है ओल्ड शेयर, उस हिस्से में जो उन्होंने एक्वायर किया हुआ है रिटायरिंग पार्टनर का, उसको हम ऐड करेंगे और हमारे पास न्यू शेयर आ जाएगा। तो जब हम जो है न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें जो है हमारे पास टू केस हो सकते हैं, तो उन केसों को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट है व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। तो कई बार ऐसा होता है कि मेंशन नहीं होता है कि न्यू रेशियो उनकी क्या होगी, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, साइलेंट होता है क्वेश्चन। और सेकंड होता है, सेकंड केस, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन सम स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन। और जब क्या करते हैं, वहाँ स्पेशल मेंशन किया होता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो हिस्सा है वो इस रेशो में क्या करेंगे या इस प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, पुराने जो पार्टनर जो बचे हैं रिमेनिंग पार्टनर वो लेंगे। ठीक है, तो अब इनको, ये जो दो केस हमने डिस्कस किए कि पहले में कुछ भी मेंशन नहीं है और दूसरे में किस रेशो में लेना है वो मेंशन है, तो इनको मैं आपको समझाता हूँ न्यूमेरिकल से। तो पहले केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं। तो केस फर्स्ट था व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द न्यू रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, जब नहीं दिया है। तो क्वेश्चन है, राम कृष्ण एंड भगवान आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:3:2, फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फॉर द रिमेनिंग पार्टनर्स व्हेन, फर्स्ट है राम रिटायर्स, सेकंड है कृष्ण रिटायर्स, थर्ड है भगवान रिटायर्स। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको राम कृष्ण और भगवान तीन पार्टनर दिए हैं और उनका रेशो दिया हुआ है वो ओल्ड रेशो जिसमें बांटते थे 5:3:2। अब इसमें जो है तीन पार्ट उन्होंने करके दे दिए हैं। फर्स्ट पार्ट है कि राम रिटायर हो रहा है, तो आप बताओ कृष्ण और भगवान का शेयर क्या है, कृष्ण रिटायर हो रहा है तो राम और भगवान का शेयर पूछा है, और भगवान रिटायर हो रहा है तो राम और कृष्ण का शेयर पूछा है न्यू। तो इसमें अब उन्होंने जो रिटायरिंग पार्टनर हो रहा है उसके हिस्से को किस प्रोपोर्शन में बांटा है ये नहीं दिया हुआ है, तो इसमें बड़ा इजी हम क्या कर सकते हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर बचे उनका हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमने लिख लिया ओल्ड रेशो ऑफ राम कृष्ण एंड भगवान, आपको दिया 5:3:2। अब हम केस फर्स्ट लेते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो व्हेन राम रिटायर्स। तो राम का हिस्सा कितना था, राम को मिल रहा था 5, कृष्ण को मिल रहा था 3 और भगवान को कितना मिल रहा था 2। तो हम ऐसा करेंगे, राम का हिस्सा गायब कर देंगे और बाकी कृष्ण और भगवान के हिस्से में कितना बचा, 3:2। तो बस 3:2 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो न्यू रेशो बिटवीन कृष्ण एंड भगवान इज इक्वल टू 3:2। इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम जो है सेकंड केस देखते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो व्हेन कृष्ण रिटायर्स। अब कृष्ण रिटायर हो रहे हैं तो कृष्ण का जो हिस्सा है वो कितना था, 3। अब राम का कितना बचा, 5:2। तो उनकी जो रेशो होगी, तो न्यू रेशो बिटवीन राम एंड भगवान वो कितनी हो जाएगी, 5:2 आंसर। अब थर्ड जो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन व्हेन जो है भगवान रिटायर, जब भगवान रिटायर होता है
तो न्यू रेशियो बिटवीन राम एंड कृष्ण कितने की होगी, क्योंकि भगवान को जो हिस्सा था वो था ओल्ड में 2, तो इसलिए हमने 2 को गायब कर दिया। अब जो राम और कृष्ण हैं वो किस में बंटेंगे, वो बंटेंगे 5:3 में। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, बड़ा ईजिली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने जैसे जो है कैलकुलेट कर दिया, केस फर्स्ट व्हेन नथिंग इज मेंशनड अबाउट द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे को जो ओल्ड पार्टनर हैं उनकी रेशियो नहीं दी होती है, उनका प्रोपोर्शन दिया होता है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं मतलब आपको करवाता हूँ। तो क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन फर्स्ट है ए रिटायर्स, सेकंड है बी रिटायर्स, थर्ड है सी रिटायर्स। तो इसमें पिछले क्वेश्चन जो था उसमें आपको रेशियो दी थी 5:3:2, इसमें आपको रेशियो नहीं दिया है, इसमें दिया है प्रोपोर्शन कि ए को मिलेगा 1/2 प्रॉफिट का, बी को मिलेगा 1/3 और सी को मिलेगा 1/6। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले रेशियो को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर रेशियो को फाइंड आउट करने के बाद हम बड़ा इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी की कितनी दी हुई है, 1/2 / 1/3 and 1/6। तो अब हम ऐसा करेंगे, जो इनके डिनोमिनेटर हैं वो है 2, 3 और 6, हम इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6, और 6 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर 2 था, तो 6 को 2 से किया तो 3, तो फर्स्ट में आ गया 3, और सेकंड में 6 को हम 3 से करेंगे तो 2, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो 2, और थर्ड में जो है 6 को 6 से किया तो 1, और 1 को 1 से तो 1। तो हमारे पास हो गया 3:2:1/6। तो हमारे पास जो रेशो है वो आ गई 3:2:1। और अब हम जो है ये जो तीन केस इनको बड़ा इजीली क्या कर सकते हैं डिस्कस। अब क्वेश्चन जो है फर्स्ट की तरह हो गया। तो केस फर्स्ट था व्हेन न्यू शेयरिंग रेशो व्हेन ए रिटायर्स, तो न्यू रेशो बिटवीन बी एंड सी इज इक्वल टू 2:1 आंसर। और सेकंड हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो व्हेन बी रिटायर्स, तो न्यू रेशो बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू 3:1, ये आंसर आ गया। और थर्ड केस था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो व्हेन सी रिटायर्स, तो न्यू रेशो बिटवीन ए एंड बी जो है वो आ गई 3:2। तो जब प्रोपोर्शन दिया है तो हमने इनको रेशो में कन्वर्ट करना, और रेशो के बाद हम इजीली इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड जो केस है। तो सेकंड केस था व्हेन रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर्स रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन सम स्पेसिफाइड प्रोपोर्शंस, तो जब एक प्रोपोर्शन में लेते हैं तो इसको भी हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। तो न्यूमेरिकल है पी क्यू एंड आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3:2। क्यू रिटायर्स एंड हिज शेयर वॉज टेकन अप बाय पी एंड आर इन द रेशो ऑफ 3:2। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आपको दिया पी क्यू और आर पार्टनर थे, 4:3:2 में बांटते थे, क्यू रिटायर हो गया और क्यू का जो हिस्सा है उसको पी और आर ने 3:2 में लिया है। तो इसमें आपको प्रोपोर्शन क्या किया है, स्पेसिफाइड किया है। तो आपको बोला कि कैलकुलेट करो अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, ठीक है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो कैसे हम इसको करेंगे। सबसे पहले हम लिख देंगे ओल्ड रेशियो एमंग पी क्यू एंड आर, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 4:3:2। अब सेकंड लिखते हैं कि कौन रिटायर हो रहा है, तो क्यू रिटायर्स फ्रॉम फर्म एंड क्यू शेयर कितना है 3/9। अब आगे देखते हैं क्यू शेयर्स टेकन बाय पी एंड आर इन द रेशो ऑफ, जो 3/9 है इसको पी और आर किस अनुपात में ले रहे हैं, 3:2 में ले रहे हैं। अब हम देखते हैं क्यू शेयर्स टेकन बाय पी, क्यू का हिस्सा जो है पी ने कितना लिया, कितना मिला, तो हम जो है उसका हिस्सा 3/9 है जो ऊपर लिखा है, मल्टीप्लाई करेंगे हम 3/5, क्योंकि जो रेशियो है 3:2 इस हिसाब से उसका वो मिलेगा 3/5। तो जब हम 3 को 3 से करेंगे तो 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, तो क्यू का हिस्सा जो है पी को मिल गया 9/45। इसी तरह हम क्यू का शेयर जो है निकालेंगे टेकन बाय आर, तो आर ने कितना लिया, तो 3/9 मल्टीप्लाई बाय ये ले रहा है 2/5, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 एंड 9 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो ये मतलब हिस्सा क्या किया, ये पी और आर ने क्या किया, लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं पी का न्यू शेयर। तो न्यू शेयर का आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि न्यू शेयर कैसे निकालते हैं, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। तो ओल्ड शेयर
कितना था पी का जो आपको दिया है टॉप में, वो दिया है 4/9। और क्यू का इसने कितना लिया, क्यू का लिया है इसने 9/45। तो जब हम इनका एलसीएम ले लेंगे 45 आ जाएगा, और 45 को 9 से करेंगे तो 5, एंड 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और 45 को 45 से तो 1, 1 को 9 से तो 9, तो 20+9। तो इसको इसका जो नया हिस्सा हो जाएगा पी का वो हो जाएगा 29/45, ये हो जाएगा। इसी तरह जैसे हमने पी का कैलकुलेट किया वैसे ही हम आर का नया हिस्सा भी कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2/9 ये इसका ओल्ड था, और इसने एक्वायर किया 6/45। तो जब हम इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10+6, और यहाँ हो जाएगा 16/45। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पी और आर की वो कितनी है, वो है 29/45 रेशो 16/45। तो इसको सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, 29:16, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।